से की सीट है आपके साथ कोई और भी बैठा है असेंबली में? सब आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे होते होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है आशिक दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सब भी ठीक है। जो नए चैनल पे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन मिसाज भूल गया, नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो आप मुझे देख के कह रहे हो कि मैं क्यों रह रही हूँ। तो गाइज आज हम जा रहे हैं मूसा की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, और ये मेरी लाइफ की पहली पेरेंट्स मीटिंग है मूसा के साथ। एक पहले आई थी पेरेंट्स मीटिंग, तो उस टाइम मेरा एग्ज़ाम था तो मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन अब ये फर्स्ट हम लाइफ के अटेंड करने जा रहे हैं एज अ पेरेंट मूसा की, तो थोड़ा सा प्राउड भी लग रहा है, पता चलेगा इसने क्या क्या करी है गड़बड़ी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस जैसे आप जानते हैं स्कूल तो 5 मिनट, हमने स्कूटी ही ले ली, फिर वो पार्किंग वगैरह का चक्कर, तो स्कूटी से ही जा रहे हैं अभी। आपको सुबह स्टार्ट होता है यहाँ से स्कूल, ऐसे ही सुंदर नर्सरी का भी रास्ता है, मैंने हजार बार बताया है सबको, तो हम वहीं जा रहे हैं। सुंदर नर्सरी थोड़ी आगे है, पीछे सुंदर नर्सरी यहीं आ जाती है, यहाँ पे इधर है सुंदर नर्सरी और आगे मुझसे बस स्कूल है। लोकेशन तो बहुत अच्छी है, अलाउ नहीं होगा तो चलते हैं अंदर, फिर मिलते हैं आपसे। चलते हैं स्कूल में, सब लेते हैं एंट्री। आदेश अब आयो, जब मेरा खत्म हो रहा है। हम तो वो घिसते हैं यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट में, जाओ ना एग्जीबिशन में चलते हैं। देखो बच्चों ने बना रखी है, एक मिनट रुको। अच्छा ये ना इनका भी स्कूल हुआ करता था इस जमाने, इन्हें अपने स्कूल किया जा रही। अरे वाह ये देखो कितने अच्छे अच्छे बना रखे, तो बहुत छोटी सी कैट है। रुको रुको ये देखो सब बच्चों ने बना रखे कितने अच्छे से, देखो कितने अच्छे अच्छे बना रखे। मूसा आपने भी बना रखा है कुछ? ये बड़े क्लासेस के बच्चों ने बना रखा है, और ये देखो ये कितना अच्छा बना रखा है, ये पेंगुइन से। अरे वाह चले चलते चल रहे ऊपर, उसकी क्लास ऊपर है, इतनी एक्साइटेड हो रहा है मुझे अपनी क्लास दिखाने के लिए, एक्साइटेड है। सब बच्चे आए हुए हैं, ये है की क्लास। चले चलते हैं अंदर, मुझसे कहाँ बैठते हैं? ये मुझसे की सीट है आपके साथ कोई और भी बैठता है? अच्छा मूसा ना प्रोजेक्टर पे पढ़ते हैं, इनका प्रोजेक्टर है और यहाँ पे इनको पढ़ाई होती है, तो आजकल स्मार्ट क्लासेज हैं, तो ये मूसा की स्मार्ट क्लास है। आई हूँ मैं टीचर्स के पास दोनों से मिल गया, माशाल्लाह मूसा की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, और कह रहे हैं वो कूलेस्ट बॉय है स्कूल। चलो मूसा स्कूल दिखाएंगे अपना, वो ये है मूसा का स्कूल। आराम से हयात भी खुश हो रहे हैं। मैं वॉशरूम दिखाऊंगा, वॉशरूम नहीं दिखाऊंगा, पीछे बच्चे ऊपर नीचे से ऊपर से उतरेंगे घूम के उधर पीछे, ये तो बहुत दूर हो जाता है मुझे, वॉशरूम तो बहुत दूर हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आओ, कहाँ है वहाँ पर ही और आगे इतने में निकल जाता हूँ। यहाँ पे स्टेडियम वगैरह बने हुए वो बच्चों की, ये देखिए यहाँ पे बसेस वगैरह हैं बच्चों की, सारी बसेस हैं। और
और ये बच्चों का प्ले ग्राउंड दे दिया। तो ये एंट्री कहाँ से करेंगे? यहाँ पे बैठते हो आप सब? हाँ। कब बैठते हो? जब असेंबली में। रिसेस में या असेंबली में? असेंबली। अच्छा असेंबली में सब आ जाते हैं यहाँ पे? हाँ। बहुत सारे बच्चे होते होंगे तो पूरे इसमें आते हैं बच्चे? क्या क्या करते हो? और मैं वहाँ पे सेकंड आया था। वहाँ पे? हाँ। किस चीज में? गिर जाओगे। जो फर्स्ट आता है वो सबसे ऊपर होता है, जो सेकंड आता है वो। अच्छा वो अच्छा तो किस चीज में सेकंड आए थे? रेस में है? ये चलो सारी बसेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 टोटल इन पे बसेज भी हैं। बहुत अच्छा स्कूल है इनका, मूसा का, माशाल्लाह। गाइस मैं आपको बता दूं, ये स्कूल मूसा का, मूसा के पापा का भी ये स्कूल था। मूसा की जो फुप्पो हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनका भी ये स्कूल था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है देवर, उनका भी ये स्कूल था। तो इनका ख़ानदानी स्कूल है। तो देखें, उनके पापा को बड़ी खुशी होती है यहाँ पर आगे कि मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बच्चों नेम? मोहम्मद अरम। चलो किधर से आओगे? चलो देखो हयात का ध्यान रखिए। सो गाइस इन बच्चों को देख के मुझे अपना चाइल्डहुड भी याद आ गया, अपना बचपना भी याद आ गया कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। हम लोग भी ऐसे रिसेस में अपने स्कूल में प्लेग्राउंड में खेला करते थे, और अब इन बच्चों को देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो ये एक ऐसा लगता है टाइम फ्लाइज, कैसे टाइम उड़ जाता है। तो बहुत खुशी होती है ऐसे देख के। अल्लाह सबको नसीब करे अपने बच्चों की खुशियाँ देखना। बच्चे तो भूल गए हैं ये स्कूल है, वो तो लग गए हैं वीडियो, मतलब अपने गेम में, खेलने कूदने में। अच्छा गर्मी बहुत हो रही है, मैं कह रही हूँ चलें लेके, लेकिन बच्चों को गर्मी दिखती नहीं है, तो चलते हैं। अब यहाँ से हयात आएंगे। हयात आएंगी? कहाँ है? बंद है ना, डर गई। चलो लाइब्रेरी, ये जो ऊपर है एसी जहाँ पर है। अब ये ज़्यादातर आ रहे हैं, जल्दी आओ, पानी पीने गए हैं। वही देखिए, गर्मी में बुरा हाल हो रहा है, हयात ना झूले में लगी हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रही है। बस मुझे मन चाह रहा है मैं बाहर निकलूँ, कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, लाइक थम्सअप एंड ऑल। वही जा रहे हैं हम, वापसी हो चुका है। पीछे मुझे हमने सोचा घर जाने से पहले बच्चों को मैकडॉनल्ड ले जाए, मतलब हमने क्या, बच्चों ने प्लान बनाया है खुद ही मैकडॉनल्ड का। तो हम यहीं पे मैकडॉनल्ड आ गए, यहाँ हम हमेशा आते हैं, तो चलें चलते हैं। भाई इरादा बदल गया मैकडॉनल्ड का, हमने सामने जो हल्दीराम खुला था वहाँ पर आया, आपको दिखा दिया। यहाँ पे इस तरीके की फ्रोजन भी है। हमें फिर से मैकडॉनल्ड ले आई है, वहाँ पर मेरे खाएंगे, तो हम लोग यहीं पे ऑर्डर करें। अच्छा यहाँ ऑर्डर करने के लिए मशीन है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। स्टार्ट मैंने नहीं दबाया, अब ईट इन। अच्छा जी, इन पे मील्स देखते हैं, हैप्पी मील्स में ये अच्छा मील्स ही आएंगे खाली। होम में जाती हूँ फिर से, ऐसे तो कोई मील नहीं है, डायरेक्ट हैप्पी मील ही है। मील अपना सिर्फ नाइन फी नाइन में हमको ये मील मिल रहा है, तो इसे कस्टमाइज़ करते हैं।
कुछ भी नहीं है, कैंसिल चेंज मॉडिफाई कोक विद आइसक्रीम 6 प्लस कर दो ना। क्या मूसा ये वाला लेना, फैंटा वाला आज आपने ये करा है सिलेक्ट, इसमें 5 रुपये पड़ गए तो ये वाला आज ट्राई कर। इसके अंदर वो भी तो जाता है इधर आप। हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया, आपको जैसे पता है आप इस तरीके से ऑर्डर भी कर सकते हैं। आप इतना स्मार्ट हो चुका है हमारा इंडिया, तो बहुत ही अपग्रेड हो रहा है। हम सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रही डेवलपमेंट, बट ये डेवलपमेंट हो रही है। तो अब इन्होंने कर दिया ऑर्डर, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारा ऑर्डर आ जाएगा। अपनी आइसक्रीम बनाइए बनाएंगे ना, खा कैसे लग रहे हैं। तो गाइस शाम के बज गए हैं 7:45 हो गए हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद ना मूसा के मुझे फीवर सा लगने लगा, मोशन हो गए, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हो मैं कितनी रेड हो रही हूँ बुखार की वजह से, बुखार भी तेज़ हो गया, डॉक्टर के पास ना जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने हस्बैंड से बोला है कि हस्बैंड ही ला देंगे दवाई, तो बच्चे हस्बैंड सब दवाई देने गए। मेरी हमारी आवाज़ भी कैसी हो रही है, जब साइन में लेती हूँ मेरे को बिल्कुल भी अच्छा सा फील नहीं हो रहा। तो गाइस प्रे करिएगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, वैसे तो मैं आराम ही कर रही हूँ, थक गई है बहुत ज़्यादा, थकावट होने लग गई है बॉडी में। बाय। तबीयत ख़राब होने की वजह से बस मसाले बेड पर डाल रहे हैं, हस्बैंड चढ़ा देंगे, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मैंने नमक इसमें डाल दिया चढ़ा दे। सो गाइस आज हम खाने में खा रहे हैं खिचड़ी, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ख़राब होती है, और ये कल वाला ही आइटम गारा चिकन है, खाना पूरा हस्बैंड ने लगाया है, थैंक यू। चलें खाते हैं खाना। सो गाइस खाना वाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बैंड अभी खा रहे हैं, और खाना खाते हुए एक पार्सल आ गया, मतलब गिफ्ट इन्हें पता भी नहीं, मैंने आपके लिए गिफ्ट मंगाया था। क्या है अभी देखो, खोलना नहीं तो ये है, लेकिन ये खाना खा रहे हैं, कह रहे हैं आप खोलो। चलिए मैं सो गाइस मैंने मंगवाया इनके लिए ब्लू का परफ्यूम, और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कलेक्शन में से है अजमल का, तो वो इनको मैं गिफ्ट करती हूँ। इनका रिएक्शन देखें, रेट देखें। देखो भाई जरूरी तो इतना महंगा, ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 2300 का है, बट ये मतलब ऐसा है कि आप पूरे साल चलाएंगे यार, इतना बड़ा है 90 ml लगाई जी, बहुत खाना खा के देखता हूँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, सील पैक है, ओरिजिनल सील लगी है। चलो मैं इनको खोल के फिर दिखाऊंगी आपको, बहुत ही बढ़िया है, कैसा लगा आपको, थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू मुझसे इंतजार नहीं हुआ, मैंने तो खोल दिया जल्दी से डब्बा, ये खाने में लगे, देखेंगे कुछ इस तरीके से बॉटल, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस है। मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी अगर मुझे मिल गया तो, लिंक वैसे मुझसे गुम हो गया है, बहुत ही बढ़िया है, क्लासिक अच्छा है ना, फ्रेगरेंस तो सुपर्ब है, सुपर्ब। तो गाइस इसी के चलते आज का व्लॉग एंड करने का आ गया है टाइम, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है, तो मैं आज ही व्लॉग अभी ही एंड कर रही हूँ। तो होप आपको व्लॉग अच्छा लगे, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।